फ्रेंड, सिम्बा मूवी के टाइम रोहित शेट्टी ने इस मूवी में एक ओल्ड सॉन्ग को ऐड किया, आंख मारे सॉन्ग। ये सॉन्ग खुद तो चार्ट बस्टर रहा, जबकि इस मूवी को इस सॉन्ग ने ब्लॉकबस्टर बना दिया, क्योंकि म्यूजिक ने बहुत अहम किरदार निभाया था सिम्बा मूवी की कामयाबी में। और अब जबकि एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं रोहित शेट्टी, तो कैसे वो इस मूवी में एक ओल्ड सॉन्ग नहीं लेंगे रीमेक के लिए। तो आप जान चुके होंगे हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ के लीड रोल पर मुश्तमिल मूवी सूर्यवंशी की, जो कि एक बड़े बजट वाली, बड़े एक्शन वाली और बड़े लेवल की मूवी होने वाली है। बीते समय में तो इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं थी कि संजय लीला बंसाली की मूवी इंशाल्लाह के साथ ये क्लैश करने जा रही है, तो अक्षय कुमार और सलमान खान आपस में सिनेमाघरों पर भिड़ेंगे। लेकिन दोस्ती का सबूत दिया रोहित शेट्टी, सलमान खान और अक्षय कुमार ने, और दोनों मूवीज को क्लैश से बचाया। अब मार्च 27, 2020 को रिलीज होने जा रही है ये मूवी, और इसके सॉन्ग को लेकर बड़ी अपडेट आई है, क्योंकि हाल ही में दो दिन से शूटिंग चल रही है रामाजी राव फिल्म सिटी में सूर्यवंशी मूवी के सॉन्ग टिप टिप बरसा पानी को लेकर, जो कि एक ओल्ड सॉन्ग है और काफी फेमस रहा है। और आपको यहाँ पर जानकारी देते चलें कि म्यूजिक इंडस्ट्री की दो बड़ी मलकाएं इस सॉन्ग के लिए म्यूजिक कंपोजिशन देंगी, जिनमें पहला नाम तो है गीता कपूर का, जबकि दूसरा फराह खान का। फराह खान जो रोहित शेट्टी की बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, और वो पहले भी बहुत से सॉन्ग के लिए म्यूजिक दे चुकी हैं। और फिर कैटरीना कैफ जो स्टेज पर आग लगा देंगी अपने डांस से, अपने मूव से, क्योंकि इससे पहले कमली सॉन्ग, स्वैग से स्वागत सॉन्ग, दिल दिया गल्ला सॉन्ग, और हाल ही में भारत का सॉन्ग इश्के दी चाशनी, जिसमें कैटरीना कैफ के लुक्स ऑडियंस को हमेशा ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते आए हैं। तो अगर यूं कहा जाए कि टिप टिप बरसा पानी रीमेक सॉन्ग जो 2020 का सबसे बड़ा और मच अवेटेड सॉन्ग होगा, जो चार्ट बस्टर रहेगा, तो ये गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि अक्षय कुमार भी सेट को ज्वाइन कर चुके हैं रामाजी राव फिल्म सिटी में, और रोहित शेट्टी के साथ मिलकर सूर्यवंशी का सॉन्ग टिप टिप बरसा पानी शूट कर रहे हैं। और इसमें एक पार्क दिखाया जाएगा और मेले का समा होगा, जिसकी सोशल मीडिया पर कुछ पिक्स भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। तो टिप टिप बरसा पानी में पहले रवीना टंडन थी अक्षय कुमार के साथ, और अब एक बार फिर से हमें कैटरीना कैफ देखने को मिलेंगी अक्षय कुमार के ऑपोजिट, और फिर रोहित शेट्टी की डायरेक्शन जो इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने वाली है, और इस सॉन्ग को भी चार्ट बस्टर। और आंख मारे सॉन्ग की सबसे खास बात ये थी कि ये सॉन्ग सिर्फ यूट्यूब पर ही 1 बिलियन प्लस व्यूज कमा चुका है टी सीरीज के चैनल पर। अब टिप टिप बरसा पानी इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगा या नहीं, और आपको सूर्यवंशी मूवी का कितना है इंतजार, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। और आप अक्षय कुमार सर के कितने बड़े हैं फैन, हमारे साथ अपने व्यू जरूर शेयर करें और अपना कमेंट जरूर पोस्ट करें। और अगर वीडियो और जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सूर्यवंशी मूवी से जुड़ी सभी जानकारी और बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन जानने को मिलता रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू।